सोफा में ठहरे तू। छे, कल मुँह ही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। गोरी भैंस। ओ मेरी औलाद, तू यहाँ है? दादी सासू, क्या बना रही हो? दिखता नहीं नाश्ता बना रही हो। नाश्ता बना रही हो? थोड़ा सांबर भी डालो ना। जहर भी डालू ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए? कुछ भी कहो, सांबर का जवाब भी। सांबर इज द किंग। और तू चुड़ैलों की क्वीन। गुलाब की कली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ओ हड्डे हराम, लड़की देखने गया था तो आँख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। तेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए, पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला रे? इन्होंने मुझसे कहा आप 6 महीने में चमक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है? देसी घी खाया है मैंने। ये बाहर से लड़ाई झगड़ा करके आए, पर नजर तो ऐसे उतारती जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल, नहीं तो वो कद्दू उठा के तेरे सर पे ही फोड़ देगी। गणेश मेरे बड़े बेटे की औलाद है, लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं। इसके प्यार में कमी ना रह जाए इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर न्याय। भैया वो केस थोड़ा हटके था। कल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारा, उसने जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमने तो नेक काम किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा। बाहर मेरी सब सुनते हैं लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप हो गए, ये थोड़ी ना होगा। लड़ाई करके आया है ना, पी ले। थैंक यू। ऐसा लगता है जैसे डांडी यात्रा से आया। क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ, इसे आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैंने कहा लॉ कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना भैया। अच्छा, तीर मार लिया। और ये मिलिट्री में गया, वहाँ कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ दी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है, किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा। मैं करूंगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर, आ गया। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते, नमस्ते। अरे पत्ता आ गई, चल सांबर खिला दी। चल, बिल्कुल सही समय पर आयो। 10 सालों से तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तू भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इस एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढेट लोग बुरा भी नहीं मानते। और रे 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 रे, दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था, उसी वक्त आपकी कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा, आम, आम, आम। फिर आपके सामने पहुंचा, बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है, लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है, जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ, मुझे ऊटी में एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे वहाँ सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साये से भी दूर रखिए, मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी हैं, टकला भी हो गया है, तो वो घर पर रहे या बाहर, तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कान ला, वो पका हुआ आम कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? इज्जत का फालूदा। ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर है। ए, पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ इस बुढ़े से तलाक ले ले, समझा कर, एक घर के अंदर एक घर से बाहर। सत्यानाश भी गुजर जाएगी। उंडे लेगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? क्या करी? मैके से लेकर आई है क्या? सांबर खाओगी तो दिमाग ठंडा रहेगा। मैके का है जो लुटा रही है।
इडली में सांबार, ब्रेड में सांबार, चपाती में सांबार, सांबार की नदियाँ बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबार भर, डुबकी लगा और भेजा। दादी सासू, अगर सांबार से ना आऊंगी ना तो और गोरी हो जाओगी। ए हड्डे हराम, क्या देख के लाया था रे तू इसको। गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया, अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं इस राज्य के सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक एसपी ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की एमएलए है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली, तूने तो सीधा असेंबली में जाकर डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर, इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री, 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू, 80 90 पूरे 100, ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव, लव में। तुम कब करोगी? फोन कॉल। तुझे तो मैं कर रहे। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, एमएलए से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता, इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे। कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको ही क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ, मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकरू आया है ना? ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो, हीरो चपड़ गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ाऊ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करे काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा अब घर चले। डीजीपी की पार्टी में तो तूने मुझे डरा ही दिया। क्या चाचा? अरे बाप रे, आ गया मनहूस। इसकी तो पापा से मिलने आए हैं। पद्मा, अरे तू आ गई, चल मेरे साथ चल। बाय टकलू जीजू। अतिथि देवो भव, इसका मतलब जानते हो बेटा? अतिथि की धुलाई करके उसे देवों के पास भेज दो। ओहो, आप कब पधारे? अभी 1.5 मिनट पहले। गणेश को हेल्थी होने के टिप्स दे रहा था। पर क्यों? इसके कमरे से दारू की बदबू मेरे घर तक पहुंच रही थी, कल रात मेरे घर के सामने उल्टी भी की थी। बहुत तरक्की कर, मेरे हाथों मरेगा, साले को दारू में डुबा के मारूंगा। लोग रिलैक्स होने या एंजॉय करने के लिए पीते हैं, इसे अपना जॉब या कर्तव्य समझकर नहीं पीना चाहिए। कोई इसके मुंह पे पट्टी लगाओ। ऐसे भटके लोगों का एक ही इलाज है, सिंपल, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? इससे शादी कौन करेगा? वो मुझ पर छोड़ दीजिए, एक काली कलूटी, मैट्रिक फेल, थोड़ी लगड़ा के चलती है, 2 बार घर से भाग चुकी है, उससे इसकी कुंडली मिल जाएगी। वो भागी कैसे अगर लंगड़ी थी तो? हाँ, ये फुल टाइम बेरोजगार है, दोनों मिलकर लंगड़ी टांग खेलेंगे, इसे कौन सी एमएलए या कलेक्टर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, सीधी असेंबली से आई है। ये यहाँ? हेलो जी। हमारी बात मानकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं अगर सिलेक्ट कर दूँ तो तू सिलेक्ट है, नहीं तो तू रिजेक्ट है। हम तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। मेरे को एक बात बता, सिलाई मेहंदी ब्यूटी का कोर्स करना था ना, ये एमएलए का कोर्स क्यों किया? एक्चुअली आई वाज स्टडिंग इन यूएस आंटी, सडनली डैड एक्सपायर्ड, सो अनएक्सपेक्टेडली आई बिकेम एमएलए आंटी।
आए हाय, इसका सांबार घटिया, तेरी इंग्लिश बकवास। रिश्वत विश्वत नहीं लेती है क्या? नहीं लेती आंटी। बाल असली है कि विग लगाई है? दादी हंसिका के बालों में डाई लगा के रहेगी। असली है। चाइनीज बना लेती है? चाय उबाल लेती हूँ। बस चाय उबालना, मुझे मत उबालना। ये रिश्ता होने से पहले ही तोड़ देंगी। हमेशा साड़ी पहनती है कि कभी टू पीस भी ट्राई किया है? मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है आंटी। सब कुछ ठीक है, तू एमएलए है ना, इतना छुई में रहेगी तो कैसे चलेगा? आंटी अर्जेंट फोन है, प्लीज। ठीक है जा बात कर, लेकिन मेरा मूड खराब होने से पहले रख देना। खड़ूस दादी। क्या बोला रे? ये आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अगर आप इतना डराओगी तो वो शादी से मना कर देगी। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है बहु। हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी साले। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बियर बार खोलेगा साले? ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तेरे पंखों को कुतर डालूंगी। उड़ना तो दूर, फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। जिंदगी से मन भर गया है? अंडरवर्ल्ड की हुल देता है? अंडरवर्ल्ड को अपनी जींस की बैक पॉकेट में रखती हूँ। बुला ले अपने उस डॉन को। अगर एक घंटे में तेरी दुकान बंद नहीं हुई तो गधे पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और थर्ड डिग्री टॉर्चर करवाऊंगी। छतरी को फोन दे। अरे मोटा छतरी, अपुन की यहाँ छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। सवालों के जवाब दे दे के अपुन का दिमाग ना गर्म हो गया। पहले इससे निपटती हूँ फिर तुझसे। चल फोन रख बे। दादी जी, कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? और क्या पूछूंगी बहू, तू सिलेक्ट हो गई, मुझे पसंद है तू। आ गई ना लाइन पे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छी वो सांबार है।